हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो है सूफी आंदोलन, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन एक साथ लगभग भारत में देखने को मिलता है, जो मुख्य रूप से सल्तनत काल और मुगल काल के दौरान देखने को मिलते हैं। एक तरफ जहां राजनीतिक इतिहास में भारत में सल्तनत काल और मुगल काल चल रहे थे, वहीं दूसरी ओर धार्मिक क्षेत्र में दो प्रकार के आंदोलन उभर करके सामने आते हैं। हिंदू धर्म में जो सुधार के प्रति या भक्ति के प्रति जो प्रेम भाव उभर के आता है, उसे भक्ति आंदोलन के रूप में जाना जाता है। जबकि जो इस्लाम धर्म में कुछ नए सुधारों को लेकर के, कुछ नए प्रवृत्तियों के साथ, कुछ भक्ति प्रेम के साथ जो एक आंदोलन उभर करके आता है, उसे ही सूफी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि सूफी आंदोलन का प्रारंभ भारत में हुआ था। सूफी आंदोलन का प्रारंभ एक्चुअली ईरान के क्षेत्र में, फारस के क्षेत्र में हुआ। लेकिन चूंकि भारत में इस समय तक इस्लाम धर्म की जड़ें काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी, काफ़ी विस्तृत साम्राज्य स्थापित हो चुका था और बड़ी संख्या में मुसलमानों की संख्या भारत में हो चुकी थी, ऐसे में ये सूफी आंदोलन का प्रसार जो है वो भारत में भी हुआ। भारत में होने के पीछे रीज़न यही था कि जिस तरह से ईरान और इराक के क्षेत्रों में जब इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ, तो कई प्रकार के आडंबर, कई प्रकार के अलग अलग तरह की रीतियां इस्लाम धर्म में जुड़ गई, जिनका ये सूफी आंदोलन ने विरोध किया और ईश्वर के प्रति प्रेम भाव, एकात्मक ईश्वर यानी एक ईश्वर की कल्पना, ईश्वर के प्रति भक्ति प्रकट करने के लिए कव्वाली, गीत, संगीत को मार्ग बनाना जैसी कुछ नई परंपराओं के साथ एक सुधार संबंधी आंदोलन उभर के सामने आया। उसी सुधार संबंधी आंदोलन को हम लोग सूफी आंदोलन के रूप में जानते हैं। अब भारत में जब ये सूफी आंदोलन आता है, तो कहा जाता है कि अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सूफी जो सिलसिले थे, यानी जो छोटे छोटे ग्रुप बने थे जिन्होंने इस्लाम धर्म के सुधार को लेकर के या प्रेम भाव को लेकर के अपनी संस्था स्थापित कर ली, वैसे 14 सिलसिले थे। उन 14 सिलसिलों को नहीं पढ़ना है, स्पेशली भारत में जिन सिलसिलों का प्रचार रहा, प्रसार रहा, और भारत में इन सिलसिलों ने कुछ अच्छे कार्य किए या राजा से जुड़े रहे या कुछ ऐसे बिंदु हैं जो प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, केवल उन्हीं सिलसिलों को पढ़ना है। तो हम लोग आज इस वीडियो में मुख्य रूप से सूफी से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं को समझेंगे और उसके बाद जो भारत के प्रमुख सूफी सिलसिले थे या संप्रदाय थे, उनसे संबंधित बिंदुओं को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सूफी शब्द जो है वो सफा शब्द या सफ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सफ़ेद ऊनी वस्त्र। तो ये सफ़ेद ऊनी वस्त्र कह करके जो है वहाँ संबोधित होता था, लेकिन बाद में इसके लिए एक शब्द उभर करके आया जिसका अर्थ है पवित्रता। तो वास्तव में ये सूफी शब्द ये ऊनी वस्त्र को लेकर के और पवित्रता को लेकर के सामने आया है। तो यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी स्पेशली पवित्रता को लेकर के पूछा जाएगा कि सफा शब्द या सफ शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पवित्रता होता है। इसके अलावा सूफी क्षेत्र में कई ऐसे वर्ड रहे जो पॉपुलर रहे, जिनसे आपको बार बार जुड़ना पड़ेगा। ये चैप्टर पढ़िएगा तो ये वर्ड आपको पढ़ने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। एक वर्ड है खानकाह। ये खानकाह क्या होता था, तो जहाँ पे सूफी संत जो निवास करते थे या जिनका वो आश्रम होता था, जिसे मठ कहते हैं हिंदू धर्म में, उसी तरह के मठ संबंधी व्यवस्था को सूफी संतों के द्वारा खानकाह कहा गया और वहीं पे वे निवास करते थे और अपने उपदेश वहीं से प्रसारित करने का प्रचार करते थे। इसके अलावा एक वर्ड आएगा समा। समा क्या है, तो जब वो एक जगह एकत्रित होते थे तो संगीत गोष्ठी करते थे, जहाँ पर गाना बजाना और भक्ति का एक अलग तरीका, जिसे कव्वाली के माध्यम से अपनाया गया था, तो उसे हम लोग समा या संगोत गोष्ठी के रूप में जानते हैं। इसके अलावा इसे सूफी समारोह भी कहा जा सकता है, जहाँ पर सूफी संत इकट्ठा होते थे और एक साथ बैठ करके कीर्तन करते थे या कव्वाली गाते थे, तो उसे कहा जाता था समा। मलफूजात, मलफूजात होता था जब सूफी धर्म से जुड़े हुए, ये सूफी संप्रदाय से जुड़े हुए कोई साहित्य निर्मित होता था, कोई किताब लिखी जाती थी, तो उसे कहा जाता था मलफूजात। शरियत, शरियत तो इस्लाम धर्म से संबंधित है, ये यहाँ भी सुनने को मिलेगा इसलिए मैंने लिख दिया। यह एक तरह से इस्लामी नियम या कानून की किताब है, जिसमें इस्लाम के परंपराओं का वर्णन किया गया है और क्या सही है क्या गलत है, इन्हीं के मान्यताओं के आधार पर लोगों को अपनाने की सलाह दी जाती है। तो शरियत जो है वो इस्लामी कानून है। तो ये कुछ प्रमुख वर्ड है, हालांकि बहुत सारे वर्ड हैं लेकिन सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन वर्ड को जरूर ध्यान रखें।
अब बात करते हैं सूफी आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। तो सूफी आंदोलन का उद्भव जो है वो ईरान और फारस के क्षेत्र में हुआ, धीरे धीरे इसका प्रवेश जो है वो भारत की ओर होता है। सूफी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ये दो वर्गों में बटा हुआ था। दो वर्ग कौन कौन थे आइए देखते हैं। एक था बासरा और एक था बेसरा। बासरा और बेसरा में क्या अंतर था? बासरा जो थे वो शरीयत में विश्वास करते थे, अभी हम लोगों ने समझा इस्लामी कानून, जो शरीयत में विश्वास करते थे, शरीयत के नियमों में विश्वास करते थे, इस्लामी कानून में विश्वास करते थे, वो सिलसिला क्या कहलाए? बासरा कहलाए। और जो शरीयत कानूनों में विश्वास नहीं करते थे और उसमें सुधार चाहते थे या नए चीज़ों को अपनाना चाहते थे वो बेसरा कहलाए। तो इस तरह से शरीयत में विश्वास के आधार पर ये दो वर्गों में बटे हुए थे सूफी संतों की ये सिलसिले, एक बासरा और दूसरा बेसरा। याद रखिएगा, बा वाला जो था वो शरीयत में विश्वास करने वाले लोग थे और बेसरा जो थे वो शरीयत में सुधार या विश्वास नहीं करने वाले लोगों में से थे। ठीक है, तो इस तरह से दो भागों में ये बटे हुए थे। अबुल फजल के अनुसार 14 सूफी सिलसिले जो थे वो देखने को मिलते हैं, जिसमें से भारत में जो प्रचलित सूफी सिलसिले हैं उन्हें हम लोगों को मूल रूप से पढ़ना है। तो भारत के प्रमुख सूफी सिलसिले कौन कौन थे आइए देखते हैं। सबसे पहला सूफी सिलसिला जो भारत में आया था उसका नाम था चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला। सिलसिले का मतलब ही संप्रदाय होता है, तो इस तरह से आप संप्रदाय भी लिख सकते हैं, सिलसिला भी लिख सकते हैं। दूसरा आया था सुहरावर्दी, तीसरा आया था फिरदौसी, फिर सत्तारिया, फिर कादरी और नक्शबंदी, ये वो प्रमुख हैं। इसके अलावा भी एक दो सिलसिले थे जिनका भारत में प्रसार था, लेकिन मुख्य रूप से यही वो तीन चार सिलसिले हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिले से पूछे जाएंगे। ये भारत का पहला सिलसिला था और भारत का सबसे प्रचलित सिलसिला था। तो चिश्ती सिलसिला में क्या था विशेषताएं, उनको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले फिलहाल ये देखते हैं भारत में सूफियों का प्रवेश कब से शुरू होता है। तो भारत में जो पहला इस्लामिक ताकतवर आक्रमण हुआ था वो गजनबी के समय हुआ था। ऐसे हम लोग मोहम्मद बिन कासिम को पढ़े थे कि पहला आक्रमण, लेकिन सूफियों का प्रवेश जो है वो गजनबी के साथ होता है। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास जब गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसी के साथ कुछ सूफी लोग भारत में प्रवेश करना शुरू करते हैं। हालांकि वो अस्थाई रूप से भारत में नहीं प्रवेश करते हैं और केवल भारत के पश्चिमी सीमा प्रांत तक ही रुक जाते हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र है उन्हीं क्षेत्रों तक इनका प्रवेश हो पाता है। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि वो पहले संत जो सूफी संत जो भारत में आए थे उनका नाम था शेख इस्माइल। ये याद रख लीजिएगा कि पहले सूफी संत जो भारत आए थे ये लाहौर क्षेत्र तक ही आ करके रह गए थे। तो मैंने बताया कि अभी जो वर्तमान पाकिस्तान है उन क्षेत्रों तक ही प्रारंभिक रूप से सूफियों का प्रवेश होता है। अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो हमेशा ये याद रहेगा आपको कि इस क्षेत्र से ईरान से आने के क्रम में पहले पाकिस्तान और फिर भारत का सीमा आता है। तो इस तरह से ये पहले आए और इन्हीं क्षेत्रों में इन्होंने सूफी संप्रदायों से संबंधित प्रचार प्रसार करना शुरू किया। सूफी संत जो सूफी संत होते थे जो प्रवचन देते थे वो पीर कहलाते थे और उनके जो चेले होते थे जो उनके शिष्य होते थे उनको मुरीद कहा जाता था। तो ये भी दो शब्द याद रख लीजिएगा, पीर होते थे जो सूफी संत होते थे उनको पीर कहा जाता था और जो उनके शिष्य होते थे उनको मुरीद कहा जाता था। और बाद में जब सूफी संत जहाँ पे मृत्यु होती थी तो उनके मज़ार बनाए जाते थे। तो पीर और मज़ार अभी भी आप देखते हैं और इनसे संबंधित कई मज़ार आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे अजमेर शरीफ में आपको है, इसके अलावा दिल्ली में है, इसके अलावा जो है फतेहपुर सीकरी में है। तो ये मज़ार भी जो जुड़े हुए हैं ये इन्हीं सूफी संतों से जुड़े हुए हैं, बिंदु हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि सूफी आंदोलन किस प्रकार से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, उसके प्रमुख बिंदु क्या थे स्टार्टिंग के। अब हम लोग आते हैं सिलसिलों की ओर, जिसमें चिश्ती सिलसिला जो है ये पूरा का पूरा चिश्ती सिलसिला है और इधर बाकी के सिलसिले हैं। तो इसी से समझ लीजिए कि चिश्ती सिलसिला जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। आइए चिश्ती सिलसिला की ओर। तो चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती थे। ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती थे जिन्होंने ईरान फारस के क्षेत्र में जो है इसकी स्थापना की थी। ये भारत में इन्होंने इसकी शुरुआत नहीं की, भारत में इसको लेकर के कौन आए थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लेकर के आए थे। तो ये दोनों प्रश्न अलग अलग बन जाते हैं, कभी संस्थापक पूछा जा सकता है, कभी पूछा जा सकता है कि भारत में इसके संस्थापक कौन थे या भारत में चिश्ती सिलसिला का सबसे पहले प्रचार प्रसार किसने किया। तो मोइनुद्दीन चिश्ती,
आइए देखते हैं। तो इसके संस्थापक अबू अब्दाल चिश्ती थे, तो ये याद रखेंगे। दूसरा है, भारत में इसके संस्थापक के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। यहाँ पर एक बिंदु जो आपको और ध्यान रखना चाहिए कि भारत में ये सबसे प्रसिद्ध सिलसिला रहा, इसके अलावा यह सबसे पहला सिलसिला रहा जिसने भारत में प्रवेश किया। ये मोहम्मद गोरी के साथ जो है भारत आए थे। अब यहाँ अंतर समझिए, जो सबसे पहले आने वाले सूफी संत थे वो गजनबी के साथ आए थे, लेकिन जो मुइनुद्दीन चिश्ती जो भारत में आकर के फैलाते हैं चिश्ती संप्रदाय को या चिश्ती सिलसिले को, ये गोरी के साथ आए थे। गोरी के साथ ये 1192 ईस्वी में आते हैं, और 1192 क्यों प्रसिद्ध है, आपको पता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और गोरी की जीत हो गई थी। तो ये उन्हीं के साथ भारत आए थे। इन्होंने आकर के भारत में इनका जो खानकाह, मैंने कहा वर्ड आएंगे, खानकाह क्या होता है, तो खानकाह मैंने अभी बताया कि जहाँ पर सूफी संत निवास करते थे और अपने प्रचार प्रसार करते थे वो इनका केंद्र होता था, उन्हीं को खानकाह कहा जाता था। तो इन्होंने अपना खानकाह जो है वो कहाँ बनवाया, अजमेर में, और आज जो अजमेर में दरगाह देखते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध है वो इन्हीं से संबंधित है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। इनका दरगाह कहाँ है, तो इनका दरगाह वर्तमान में भी अजमेर में स्थित है। तो ये काफ़ी प्रचलित रहे और काफ़ी प्रसिद्ध रहे। इनके दो शिष्य थे, इनके दो शिष्यों से जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं। एक थे शेख हमीमुद्दीन नागौरी, ये एक्चुअली राजस्थान के नागौर क्षेत्र में रहते थे, इसीलिए इनके साथ क्या जुड़ गया, नागौरी। तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी जो थे इनके एक शिष्य थे, और दूसरे जो थे वो न था, नाम था उनका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो जो ज़्यादा पॉपुलर हुए थे वो पॉपुलर हुए थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये प्रारंभिक रूप में भारत से बाहर अफगानिस्तान क्षेत्र में रहते थे, लेकिन जब भारत में आए तो इन्होंने भारत में अपने चिश्ती संप्रदाय को विस्तारित करने का प्रयास किया, और कुतुबुद्दीन ऐबक इनसे काफ़ी प्रभावित थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हीं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और कुतुबुद्दीन के नाम से जो जाना जाता है। तो कुतुब मीनार की जो नींव रखी गई थी वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखी गई थी, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखी गई थी। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है। दूसरा पॉइंट यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे वो इल्तुतमिश के समय भारत आते हैं। मैंने अभी बताया कि वो उस समय भारत से बाहर थे, लेकिन उनसे काफ़ी प्रभावित थे कौन, ऐबक। इल्तुतमिश के समय वो भारत आया और कुतुब मीनार इन्हीं के नाम पर बना, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं ये बख्तियार काकी से संबंधित। और इन्होंने जो प्रचार प्रसार किया था ये दिल्ली के क्षेत्र में इन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। तो चिश्ती संप्रदाय के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे भारत में, याद रखना है, पहला जो केंद्र था वो अजमेर था शुरू में, और दूसरा जो केंद्र था वो दिल्ली था। तो इस तरह से इसके दो प्रमुख केंद्र थे जहाँ पर चिश्ती संप्रदाय ने सबसे ज़्यादा अपने मत का प्रचार किया। इन्होंने अपने प्रचार के संबंध में दो तीन बातों का ध्यान रखा चिश्ती संप्रदाय की बात करें तो। पहला ये था कि ये सुल्तान से दूरी बना के रखते थे, ऐसा नहीं था कि दरबार में जाके बैठते थे, राजा से बार बार मिलते थे, जी नहीं, इनके जितने भी संत हुए अधिकांश संतों ने सुल्तान से दूरी बनाई। दूसरा, ये पैसों को इकट्ठा नहीं करते थे, लोगों में बांट देते थे, लोगों के प्रति जो है प्रेम भाव ज़्यादा रखते थे। जबकि हम ये लोग यही चलेंगे सुहरावर्दी में तो वहाँ अंतर हो जाएगा, वो राजा से संबंध रखते थे, वो पैसे इकट्ठा करना जानते थे और पैसे खुद जमा करते थे, तो अंतर था। तो आइए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की हम लोगों ने बात कर ली। अब आते हैं बाबा फरीद जो बख्तियार काकी के शिष्य थे। इनका जो पूरा नाम था, उनका नाम था शेख फरीदुद्दीन गज ए सकर। तो कभी कभी पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो एक याद रख सकते हैं ऐसे, नॉर्मली बाबा फरीद के नाम से ही ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे और काफ़ी पॉपुलर संतों में से रहे सूफी आंदोलन के क्रम में। बाबा फरीद से जो थे वो गुरु नानक देव काफ़ी प्रभावित थे। बाद में चल करके जब अर्जुन देव के समय गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया तो गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिख धर्म की सबसे धार्मिक पुस्तक है, उस पुस्तक में भी बाबा फरीद के उपदेशों को शामिल किया गया, जो कि कई एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि किस सूफी संत के विचारों को गुरु ग्रंथ साहिब में जगह दी गई है, तो बाबा फरीद के विचारों को जगह दी गई है।
इन्होंने अपने अंतिम दिनों में एक विवाह, तीन विवाह किए थे एक्चुअली। तो इनका एक विवाह जो है वो बलवन की पुत्री के साथ भी हुआ था, तो ये बलवन के दामाद थे। तो हो सकता है कि आपको यहाँ से एक प्रश्न भी बन जाए कि बलवन के समकालीन कौन से सूफी संत थे। तो बाबा फरीद जो थे वो उनके समकालीन थे और उनके दामाद के रूप में भी जाने जाते हैं। तो यहाँ से बाबा फरीद से दो तीन पॉइंट आपको याद रखना है। इन्होंने भी दिल्ली के क्षेत्र में ही प्रचार प्रसार किया था। इनके शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद के शिष्य। और सबसे पॉपुलर जो पूरे सूफी आंदोलन के चिश्ती संप्रदाय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति जो संत के रूप में हुए वो कौन हुए? शेख निजामुद्दीन औलिया हुए, जिनका जो क्षेत्र था वो दिल्ली था। तो चिश्ती सिलसिले के सबसे लोकप्रिय संत के रूप में ये जाने जाते हैं। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है। दूसरा, इनका खानकाह दिल्ली में था। अब जैसे इनका अजमेर में था, इनका दिल्ली में था, इनका भी दिल्ली में था। गयासुद्दीन तुगलक, अब इनके संबंध में मैं दो तीन बात बता दूं, काफ़ी प्रचलित रहे। इन्होंने लगभग दिल्ली सुल्तान के 7 राजाओं के शासनकाल को देखा निजामुद्दीन औलिया ने, और राजा से बिल्कुल दूरी बना के रखी। यही कारण है कि गयासुद्दीन तुगलक और इनके बीच जो संबंध थे वो काफ़ी तनावपूर्ण थे। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो बंगाल विजय की ओर गया था और बंगाल विजय कर करके वापस आ रहा था। तो उसने क्या किया कि निजामुद्दीन औलिया को ये कहा कि तुम दिल्ली से चले जाओ, मतलब एक संदेशा भिजवाया कि आप दिल्ली से निकल जाइए। तो गयासुद्दीन तुगलक को शेख निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ये प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था और किसे कहा था। तो गयासुद्दीन तुगलक को कहा था निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। तो गयासुद्दीन तुगलक का शासन देखा, फिर उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, और ये जो शासन के दौर चले उससे पहले, गयासुद्दीन तुगलक से पहले था खिलजी वंश का शासन। खिलजी वंश के शासन में दो प्रमुख शासन जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, दोनों ही खिलजी शासकों ने कोशिश की कि निजामुद्दीन औलिया से मिले, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने दोनों से मिलने से मना कर दिया। कई बार उन लोगों ने प्रयास किया, उन्होंने मना किया। यहाँ तक कहा गया कि अगर एक कमरे में दो दरवाजे हों तो वो एक दरवाजे से अंदर आएंगे तो मैं एक दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊँगा। मैंने अभी बताया कि ये जो चिश्ती सिलसिले के लोग थे या संत थे, उनका मूल उद्देश्य कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म में शुद्धता लाने का था और राजतंत्र से वो अपने आप को दूर रखने का प्रयास करते थे। तो इसी कारण से उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी से मिलना पसंद नहीं किया। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है कि किस सूफी संत ने अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी से मिलने से मना कर दिया? तो निजामुद्दीन औलिया। अब निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, ये औलिया ने इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ऐसे इन्हीं औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आपने पढ़ा है कि कई शासकों के दौरान बलवन से लेकर के जो है वो काफ़ी लंबे तुगलक वंश के शासक तक जो है वो एक लंबे शासनकाल तक दरबारी कवि के रूप में बैठा रहा। तो वो अमीर खुसरो भी किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के थे। शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने औलिया के औलिया ने इन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया। और इनका भी खानकाह कहाँ था? तो इन्होंने भी अपना खानकाह दिल्ली में बनाया। तो स्पेशली जो चिश्ती संप्रदाय के अधिकांश थे वो या तो अजमेर में थे या दिल्ली में थे। एक मिलेगा सलीम चिश्ती, जिसने बनाया था अपना जो क्षेत्र है वो फतेहपुर सीकरी में, लेकिन एक दो चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे वो दक्षिण भारत में भी गए थे। जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य चल रहा था तो बहमनी शासकों ने उन्हें बुलवाया था कि बहमनी क्षेत्र में भी इस सिलसिले का प्रचार प्रसार किया जाए, तो वो कुछ लोग जो है वहाँ भी गए थे। तो उनसे प्रश्न बहुत कम आता है। चलिए यहाँ देखते हैं, इनका खानकाह जो था वो कहाँ था? दिल्ली में था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। तो औलिया के मृत्यु के बाद जो है वो शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी जो है सूफी सिलसिले को जो है आगे बढ़ाने का, चिश्ती सिलसिले को आगे बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया। सबसे अंतिम प्रमुख चिश्ती संतों में शेख सलीम चिश्ती का नाम आता है, आपने सुना भी होगा, काफ़ी फेमस भी है। इन्होंने क्या किया कि अपना जो खानकाह क्षेत्र था वो फतेहपुर सीकरी बनाया, जो वर्तमान में आगरा के नज़दीक है और यूपी में पड़ता है। तो फतेहपुर सीकरी में जो है इन्होंने अपना खानकाह बनाया और वहीं पर अपने सिलसिले को आगे बढ़ाने का प्रयास किया।
काफी चर्चित थे, अकबर के समकालीन थे। यहाँ से एक प्रश्न आता है कि अकबर के समकालीन सूफी संत कौन थे। कहा जाता है कि अकबर ने सलीम चिश्ती के दरगाह में गए, दरबार में गए, और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यही कारण है कि अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रचलित हुआ। तो ये एक प्रश्न बनता है, इसीलिए आपको यहाँ पे याद रख सकते हैं कि अकबर के ये क्या थे, समकालीन थे। इनका मकबरा भी वर्तमान में कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। तो इस तरह से ये सूफी संतों के बारे में दो दो पॉइंट है जिसको आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है। तो इसको पेन डाउन कर लेंगे और थोड़ा सा याद कर लेंगे, ठीक है। दो दो पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट मैंने इसीलिए नहीं दिए हैं कि उतना ही लिखिए, उतना ही पढ़िए जितना आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं सुहरावर्दी सिलसिला या सुहरावर्दी संप्रदाय। ये दूसरा संप्रदाय था जो भारत में आया और चिश्ती के बाद दूसरा सबसे बड़ा लोकप्रिय संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी या जियाउद्दीन सुहरावर्दी द्वारा किया गया। तो शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी या जियाउद्दीन सुहरावर्दी द्वारा जो स्थापित किया गया था वो सुहरावर्दी संप्रदाय या सिलसिला था। इन्होंने मुख्य रूप से भारत के जो पश्चिमी भाग हैं उन्हीं क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार रहा, खास करके वर्तमान जो पाकिस्तान है और सिंध का क्षेत्र है जो पाकिस्तान में, उन्हीं क्षेत्रों में इस सिलसिला का विस्तार था। जैसे चिश्ती का विस्तार मुख्य रूप से अजमेर और दिल्ली में था, इसके अलावा थोड़ा बहुत दक्षिण भारत और फतेहपुर सीकरी में भी था, लेकिन इस सिलसिले का विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर भारत में ही सीमित रहा। ये भारत के आंतरिक भागों में इसका विस्तार नहीं के बराबर हुआ। तो प्रभाव क्षेत्र याद रख सकते हैं सिंध प्रदेश। चिश्ती के बाद यह भारत का दूसरा सबसे लोकप्रिय सिलसिला था, तो ये याद रख सकते हैं। इसी के एक प्रमुख जो संत हुए थे जिनका नाम था शेख बहाउद्दीन जकारिया। ये शेख बहाउद्दीन जकारिया भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को इन्होंने ही प्रचार प्रसार किया और भारत के मुल्तान क्षेत्र में इन्होंने मूल रूप से इस सिलसिले का प्रचार प्रसार किया था। इल्तुतमिश जो कि दास वंश का एक प्रमुख शासक था ने इनको शेख उल इस्लाम की पद दिया था और उपाधि भी दी थी। तो मैंने अभी बताया कि यहाँ जितने भी शासक थे इन्होंने अधिकांश संतों ने शासकों को निग्लेक्ट किया, शासकों के साथ रहना पसंद नहीं किया, लेकिन सुहरावर्दी संप्रदाय जो थे वो शासकों के साथ रहना पसंद करते थे, शासकों से जुड़े हुए थे। यहाँ पर उनको देख रहे हैं कि पद दिया जा रहा है, इसके अलावा वो धन संचय में बिलीव करते थे जबकि ये धन बांटने में बिलीव करते थे। तो चिश्ती संप्रदाय और सुहरावर्दी संप्रदाय में एक बड़ा डिफरेंस यही था। अब आते हैं फिरदौसी, ये उनके बाद भारत में आया था। इसके जो संस्थापक थे शेख बद्रुद्दीन समरकंदी थे। तो शेख बद्रुद्दीन समरकंदी ने कौन से सिलसिले की स्थापना की, तो फिरदौसी सिलसिले की स्थापना की। इसका जो विस्तार क्षेत्र था वो बिहार और बिहार के स्पेशली राजगीर क्षेत्र में इसका विस्तार था। ये प्रश्न कई बार PCS एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा सिलसिला था, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि फिरदौसी सिलसिला था क्योंकि ये बिहार में ही प्रचलित रहा। इसके जो प्रमुख संत रहे जिसमें सैफुद्दीन याहिया मनेरी और हुसैन बाल्खी थे, ये भी इन्होंने भी बिहार के क्षेत्र में इस सिलसिले को काफ़ी प्रचलित करवाने का प्रयास किया। तो इसके संस्थापक और इसके प्रसार क्षेत्र या प्रभाव क्षेत्र से जोड़ करके एक प्रश्न बनता है जो कि पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं सतारिया संप्रदाय। सतारिया सिलसिले की बात करें तो ये शेख अब्दुल्लाह सतारी द्वारा स्थापित किया गया था। तो सतारी द्वारा स्थापित किया गया था इसीलिए सतारिया संप्रदाय या सिलसिले के रूप में इसे जाना जाता है। ये शेख अब्दुल्ला के द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसमें केवल संस्थापक का नाम। अब आपको क्या करना है, इस सारे चीज़ों को पेन डाउन करके एक टेबल बनाइएगा। टेबल में एक तरफ संप्रदाय का नाम और दूसरी तरफ उसके संस्थापक का नाम, केवल ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि कई एग्जाम में आपको यहीं से प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। ये भी हो सकता है कि एक प्रश्न आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन चिश्ती संप्रदाय से नहीं था, और इधर से आपको नाम दे दिए जाएंगे जबकि ये यही जो संत आपको दिखाई दे रहे हैं यही केवल चिश्ती संप्रदाय से थे। तो इस तरह से आपके प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग एक टेस्ट भी लेंगे आपसे जिसमें हम लोग धार्मिक आंदोलन, मुख्य रूप से भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से जोड़ करके लगभग 30 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, और उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल वंश। आइए
उसके बाद आते हैं कादिरिया संप्रदाय। कादिरिया संप्रदाय के जो संस्थापक थे अब्दुल कादिर जिलानी थे। तो अब्दुल कादिर द्वारा स्थापित संप्रदाय को या सिलसिले को कादिरिया सिलसिला कहा गया। भारत में इसका प्रचार प्रसार जो है मखदूम जिलानी ने शुरू किया था, और अधिकांश जो मैंने बताया कि सिलसिले थे उसका स्थापना कहाँ हुआ था, तो भारत के बाहर ईरान क्षेत्र में हुआ था। तो भारत में इनका प्रचार प्रसार जो है वो मखदूम जिलानी के द्वारा किया गया। और सिकंदर लोदी के समय जो है ये मखदूम जिलानी ने जो है भारत में इसका प्रचार प्रसार किया। सिकंदर लोदी ने इनके सिलसिले को अपनाया भी था, इनके सिलसिले को काफ़ी सपोर्ट भी किया था और इनके शिष्य बन गए थे। तो इस तरह से मखदूम जिलानी का जो शासन काल था या संत का काल था वो किसके समकालीन था, तो सिकंदर लोदी के समकालीन था। बाद में ये सिलसिला भारत में चलता रहा और कई इसके गुरु आए, और दारा सिकोह का नाम आपने सुना होगा जो शाहजहां के पुत्र थे। तो उस दारा सिकोह ने जिस सिलसिले को अपनाया था उस सिलसिले का नाम यही था। तो इस प्रकार से कादिरिया सिलसिला को अपनाया था। एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, क्योंकि दारा सिकोह जो था वो काफ़ी धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था, तो उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि दारा सिकोह जो है वो किस सिलसिले को मानता था, तो कादिरिया सिलसिले को मानता था। अब आते हैं नक्शबंदी, जिससे प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं इससे या फिर नक्शबंदी से। इसके संस्थापक जो थे ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने इसकी स्थापना की और सबसे कट्टर सिलसिले में से जाना जाता है इसको। तो सर्वाधिक कट्टर सिलसिला यानी पूरी तरह से जो है ये इस्लामिक मान्यताओं पर आधारित था, यानी ये जो बासिरा है ये बासिरा को पूरी कट्टरता के साथ मानता था यही सिलसिला। तो ये सिलसिला आप याद रख सकते हैं कि बासिरा के शरीयत में विश्वास रख के उसी के हिसाब से पूरी तरह से काम करने वाला सिलसिला कौन था, तो नक्शबंदी था। इनका जो प्रभाव क्षेत्र था वो कश्मीर था, कश्मीर के क्षेत्रों में इनका प्रभाव था। बाद में चल करके औरंगजेब, जो कि मुगल शासकों में सबसे क्रूर शासक की दृष्टि से देखा जाता है, तो औरंगजेब जो था वो इसी नक्शबंदी सिलसिले के समर्थक के रूप में जाना जाता है, नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित माना जाता है। इसके अलावा इस सिलसिले की एक विशेषता ये थी कि ये नए चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, और संगीत नृत्य जो नए परंपराएं जोड़ी गई थी इस्लाम धर्म में कि कवाली के थ्रू संगीत के थ्रू ईश्वर को प्रसन्न करना, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव दिखाना, ये सब चीज़ों के विरोधी थे नक्शबंदी। तो इसी कारण से औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत और ये सब बंद करवा दिया था, चित्रकारी पेंटिंग सब कुछ समाप्त करवाया था। इसका रीज़न था कि वो नक्शबंदी संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, जो संप्रदाय इन सब चीज़ों का विरोध करती थी। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने मूल रूप से देखा कि सूफी आंदोलन के संबंध में कुछ प्रमुख स्टार्टिंग बिंदु और भारत में पॉपुलर हुए कुछ प्रमुख सिलसिले जिनसे जोड़ करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इनसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका वीडियो आप लोगों को अपलोड किया जाएगा, इसको पढ़ के रेडी रखिए। जल्द ही आपको एक वीडियो ऑब्जेक्टिव रूप में अपलोड किया जाएगा जहां पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल वंश। तो धन्यवाद एडुटेरिया से जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।